अब क्या बारी आती है, तो बनाते हैं मटन का कोफ्ता जरदालू के साथ में। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जो मटन का कीमा है वो हम ले लेते हैं। ये जो मटन का कीमा है इसे और महीन करेंगे। ये ले लिया मटन का कीमा, ये मटन का फैट है किडनी फैट, अगर ना मिले तो थोड़ा सा मक्खन डाल दें, और इसके साथ ये हरी मिर्च, और इसके साथ नमक। ये देखिए ये जो कीमा है जिसमें हमने फैट डाला है, ये देखिए कितना महीन, ऐसा ही कीमा हमें चाहिए। और अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा पानी, और फिर इसके कोफ्ते बनाएं। ये अब जो नाम था डिश का उसमें तो था जरदालू, खैर ये यहां पर ड्राई वाले एप्रिकॉट, इसका क्या करना है, ऐसे नहीं भरेंगे, इसे आप भिगो लें। भिगो कर जब ये सॉफ्ट हो जाएं, ये देखिए कितने सॉफ्ट, पानी में से निकाल कर और बीच में से इसका बीज निकाल लें, और अब इसे रखें अंदर, और कोफ्ते तैयार। बस एकदम सिंपल, और इसे बनाकर कुछ देर आप फ्रिज के अंदर रख दें। फ्रिज में रखने के बाद में अब तैयारी होती है इसकी करी की। ये करी डिश है तो इसकी जो ग्रेवी है वही सबसे बढ़िया है, टेस्टी है। क्या क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले थोड़ा तेल, तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम डालते हैं खड़े मसाले। ये मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और थोड़ी दालचीनी भी डाल देते हैं, ये तो बहुत बड़ा पीस है। और इसके साथ इसमें डालें प्याज, ये जो प्याज है इसे अच्छी तरह से भूनना है, और क्योंकि ये जो दालचीनी थी ये ज़्यादा डाली थी मैंने क्योंकि टूट नहीं रही थी, तो इसका जो फ्लेवर आना था वो अब इस डिश में आ चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं। और प्याज भी हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब डालते हैं हम सबसे पहले ये पेस्ट, इससे तो आप वाकिफ हैं ही, ये है लहसुन की पेस्ट, और इसके साथ अब अदरक की पेस्ट, इसे भी मिक्स करना है हमने। एक काम करता हूँ थोड़ा सा स्टॉक डालता हूँ, ये किस लिए, क्योंकि जो पेस्ट है काफ़ी गाढ़ी है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो प्याज हैं वो भी जले नहीं। अब ये देखिए भुन गया, अब इसमें हम डालते हैं ये सूखे मसाले, धनिया पाउडर, इसके साथ हल्दी। भारत में भारतीय खाने के अंदर ये जो हल्दी है इसका रोल बहुत ज़्यादा है। आप इंग्लैंड के अंदर देखें जो करी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें करी में और कुछ हो या ना हो लेकिन जो हल्दी है वो ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हल्दी ना हो तो करी तैयार ही नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर जो करीज हैं वो तरह तरह की होती हैं, और हल्दी वाली, प्याज टमाटर वाली सिर्फ एक स्टाइल है ये। अब ये सूखे मसाले हमने डाले, इसके साथ अब इसमें डालते हैं ये लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ टोमेटो प्यूरे, ये लीजिए। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये स्टॉक, मटन का स्टॉक। अब ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं जरदालू वाले, भीगा हुआ जरदालू इसके अंदर वो रखते हैं। इसके साथ इसमें डालते हैं नमक, नमक डाल दिया, इसे हल्के हाथ से मिक्स करता हूं मैं। अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे हम पकने देते हैं। इसको पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, अभी रखेंगे करीब 10 से 12 मिनट तक, और उसके बाद
ये पक जाएगा। जी हाँ, मटन भी पक सकता है इतनी जल्दी। खैर घबराइए नहीं, अभी तो थोड़ा सा इंतजार करना है। करीज बना रहे हैं, मेरे तो मुंह में पानी अभी भी आ रहा है। इसकी जो खुशबू है कोफ्तों की, देख लेते हैं कि क्यों ऐसी खुशबू आ रही है। वाह क्या खुशबू है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये कोफ्ते। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम ये जो कोफ्ते हैं। हाँ पक गए हैं। अब इसमें से अगर कुछ एक दो कोफ्ते टूट भी जाएं और इस तरह से लगे तो घबराइए नहीं, क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे ही रहने दे। जो कीमा है वो भी इसी के अंदर है, जो जरदालू है वो भी इसी के अंदर है, पूरा टेस्ट आएगा। अब इसमें क्या डालना है, इसमें हम डालते हैं थोड़ा गरम मसाला पाउडर और इसके साथ ये हरा धनिया थोड़ी ज्यादा मात्रा में। ये हरा धनिया इसके अंदर और बस ये मिक्स कर लिया। अब देखिए ये जो ग्रेवी है ये गाढ़ी भी हो गई है, जो कोफ्ते हैं वो भी पक गए हैं और इसका जो टेस्ट है असली टेस्ट है ग्रेवी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक भी डाला हुआ है, कोफ्ते भी उसके अंदर पके हुए हैं और मसाले तो डाले ही हैं। देखिए बोलते बोलते मुंह में पानी इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे यहाँ का खाना है, जो भारत की करीज हैं, वाकई बेमिसाल हैं, नंबर वन हैं। और इसी तरह से अपने खाने को नंबर वन बनाए रखें, थोड़ी सी मेहनत करें, बढ़िया खाना बनाएं और सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं कि जो हमारे यहाँ का खाना है वैसा खाना कोई नहीं। जी हाँ, अगर हलवाई अपनी मिठाई को मीठा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। तो आपका खाना है, अपना खाना है, एकदम नंबर वन। जरदालू कोफ्ता करी के लिए हमें चाहिए कोफ्तों के लिए 400 ग्राम मटन का कीमा, एक छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 50 ग्राम मटन का फैट या मक्खन, 16 खुरमानी पानी में भीगी हुई जिसमें से बीज निकला हो, ग्रेवी के लिए 2 बड़े चम्मच तेल, 1 मोटी इलायची, 4 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 कप मटन का स्टॉक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा कप टोमेटो प्यूरे, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 3 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले आप मिक्सी या फूड प्रोसेसर में मटन के कीमे में मटन का फैट, कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लें। अब हथेली पर पानी लगाएं और पिसे हुए मटन के मिक्सर का एक हिस्सा ले लें और इसे फैलाकर इसके अंदर भीगी हुई खुरमानी रखकर इसे बंद कर लें। इसी तरह से सभी कोफ्ते तैयार कर लें। इसके बाद इसे करीब आधे घंटे तक फ्रिज में रख लें। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके इसमें मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और कटी हुई प्याज डालकर भून लें। अब इसमें से दालचीनी निकालकर लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। चाहे तो इसमें थोड़ा सा मटन का स्टॉक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और कुछ देर तक पका लें। अब इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर और टोमेटो प्यूरी डालकर कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें मटन का स्टॉक डालें और इसके बाद इसमें कोफ्ते और नमक डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं। अब इसे धीमी आंच पर करीब 10 से 12 मिनट तक पका लें। इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर तब तक पकाएं जब तक मटन के कोफ्ते पूरी तरह से पक और गल ना जाएं और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें।